मौसम बदल रहा है, गर्मी सर्दी के चलते कई तरह की बीमारियां पैर पसार रही हैं। घरों के आसपास जमा हुए गंदे पानी में जीवाणु पनप रहे हैं और इन जीवाणुओं के काटने से कई तरह की बीमारियां पैर पसार रही हैं। जनमानस को इन बीमारियों से बचने के लिए जिला प्रशासन के दिशा निर्देश में गांव-गांव और शहर-शहर संचारी रोगों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराया जा रहा है तो वहीं फॉगिंग भी कराई जा रही है। नगर पंचायत पागबड़ा की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष मोहम्मद याकूब का कहना है कि वो सफाई अभियान के साथ साथ अपने क्षेत्र में फॉगिंग कर रहे हैं, नालियों में एंटी लार्वा की दवाई का छिड़काव भी कर रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि जनमानस को बीमारियों से बचाया जा सके, सभी स्वस्थ रहें तो फिर हमारी नगर पंचायत भी स्वस्थ रहेगी। पागबड़ा में 18 वार्ड हैं और इन 18 वार्डों में फॉगिंग का काम नगर निगम के सफाई नायकों द्वारा कराया जा रहा है। सफाई मित्र सफाई कर रहे हैं, फॉगिंग कर रहे हैं, एंटी लार्वा दवाई का छिड़काव भी लगातार हो रहा है। अध्यक्ष मोहम्मद याकूब का कहना है कि अगर हम नगर पंचायत को बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं तो आने वाले दिनों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी।